गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज आपको सेकंड लेसन पढ़ाया जाएगा जीवों का वर्गीकरण, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप पढ़ेंगे कि किन किन वर्गों में किस असमानताओं या समानताओं के आधार पर हम रखते हैं जीवों को, ठीक है। और ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा चुका है आपको, रिपीट कर दिया है दोबारा ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा इन सब से रिलेटेड, तो जो भी मैं बताऊँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत से तैयारी करके बताता हूँ और इस हिसाब से बताता हूँ आपको ताकि आप लोग AIPMT वगैरह में क्वेश्चंस आए तो उसको आप आंसर इजीली कर सको। अगर आप ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को तो आपको काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, जो सर्वप्रथम वर्गीकरण का सिद्धांत पद्धति किसने दी, सर्वप्रथम वर्गीकी की पद्धति किसने दी, सर्वप्रथम वर्गीकी की पद्धति अरस्तु ने दी, ठीक है। उन्होंने किस तरह की पद्धति थी, उन्होंने तीन भागों में बांटा पौधों को, तीन भागों में बांटा, ठीक है, वनस्पति को तीन भागों में बांटा, शाख, झाड़ी और पेड़, ठीक है। और जंतु को जिनमें लाल रुधिर उपस्थित हो, और एक वे जिनमें लाल रुधिर अनुपस्थित हो, ठीक है। ये है, उन्होंने ये चीज़ बांटी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया वनस्पतियों को, जो उन्होंने शाख झाड़ी और पेड़ में बांटा, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से पुष्प वाले हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं और कौन से पुष्प उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पद्धति इनकी फेल हो गई, ठीक है। और जो इनमें जो लाल रुधिर वाले हैं, लाल रुधिर उपस्थित और लाल रुधिर अनुपस्थित के बताया, तो इनमें भी ये नहीं बताया कौन से एक कोशिकीय हैं, कौन से बहुकोशिकीय हैं, कौन से यूकैरियोटिक है, कौन से प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ये फेल हो गई, लेकिन आपके सिलेबस में तो पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब आप इसमें लिखोगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को शाख, झाड़ी और वृक्ष तथा जंतुओं को दो समूहों, एक वे जिनमें लाल रुधिर पाई जाती है और एक वे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाई जाती है, में वर्गीकृत किया, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आ जाते हैं हम दूसरी पद्धति पर आ जाते हैं, वो पद्धति है द्विजगत पद्धति। किसने दी,
ये पद्धति बेटा बच्चों दी कैरोलिस लिनियस ने। तो कैरोलिस लिनियस बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसमें आपको बहुत सारे सवाल आते हैं कि सिस्टमेटिक्स का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या सिस्टमा नेचुरी किस पुस्तक के लेखक कौन है, या द्विपद नामकरण पद्धति किसने दी। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं जो इनसे ही रिलेटेड आते हैं, कैरोलिस लिनियस से, ठीक है, क्योंकि द्विनाम नामकरण पद्धति उन्होंने ही दी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता चुका है कि द्विनाम नामकरण पद्धति होता क्या है, और जैसे कि कोई भी है, लायन है तो हिंदी में शेर बोलेंगे, इंग्लिश में लायन बोलेंगे, और वगैरह वगैरह दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। लेकिन जो द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार उसका नाम लैटिन भाषा में से लिया गया है, पैंथ्रा लियो, वो मैंने आपको बता चुका है, जाति और वंश का, ठीक है, वो आपको सब कुछ याद रहना चाहिए। अब ये बार बार पूछा जाता है कि द्वि जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, अगर मान लो नॉर्मली क्लास में ना आया तो हो सकता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम AIPMT वगैरह में आ सकता है, ठीक है, एम्स वगैरह में, जो भी आप जिसकी भी आप तैयारी करोगे उसमें आ सकता है, ठीक। अब ये हाँ द्विजगत पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, किसने दिया, ये तो हमने बता ही दिया, और बता दिया कैरोलिस लिनियस के और भी योगदान क्या क्या हैं। तो द्विजगत पद्धति के अनुसार इन्होंने दो वर्गों में, दो जगत में बांट दिया, एक तो पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम, और ये हो गया एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कर तो दिया, ठीक है, और इसमें इन्होंने रखा क्या है, इनमें इन्होंने पौधे, कवक, कवक को बेटा बच्चों इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, ठीक है, फंगस तो हो गया सिंगुलर और फंजाई हो गया प्लूरल, फंगस तो हो गया सिर्फ एक और फंजाई हो गई बहुत सारी, ठीक है, काई जिसको काई भी कहते हैं, ठीक है, फंजाई, उसके बाद और जीवाणु, मॉस, लाइकेन, आदि, ठीक है। इन सबको किस में रख दिया, प्लांट किंगडम यानी के पादप जगत में रख दिया, और जंतु जगत में क्या क्या रखा, सभी जंतुओं को सभी जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब जो रखे उन्होंने जंतु जगत में रख दिए, ठीक है। तो लेकिन ये सब कुछ चीज़ों को इन्होंने भी छोड़ दिया, हालांकि ये पद्धति अच्छी थी, लेकिन इनमें भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें समानताएं और असमानताएं हैं जो हम लोग डिस्टिंग्विश करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं कि किस चीज़ में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी ये भी वर्गीकरण पद्धति जो हो गया फेल हो गई, ये भी सही नहीं रही, ठीक है।
तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेना, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। तो इसमें लिखना है डैश डाल के, कैरोलस लीनियस ने जीवों को दो भागों में विभाजित किया, नंबर एक पादप और नंबर दो पादप जगत पहला, और नंबर दो जंतु जगत, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें सभी हरे पौधे कौमा समुद्री घास कौमा मशरूम कौमा मॉस कौमा लाइकेन तथा जीवाणुओं को पादप जगत में रखा, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखना है जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु के साथ साथ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा कौमा पैरामीशियम कौमा युगलीना को भी रख दिया गया था। उसके आगे आगे अगली लाइन से लिखना है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स कौमा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय कौमा प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले पौधों में वर्गीकृत नहीं किया गया, अतः इन जीवों के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था, ठीक है। तो ये थी आपकी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। अब आते हैं हम एक पद्धति, एक और नई पद्धति आई इसके अलावा, वो थी पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। क्या थी? पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ये जो पद्धति जो दी थी सबसे इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, पद्धति को दिया आर एच विटेकर। किसने दिया? आर एच विटेकर ने, कब? 1969 में। तो लेटेस्ट ही आई है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। 1969 में पद्धति आई, इसने पांच जगत में रख दिया, ठीक है। तो सब, अब ये जगत कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु, ठीक है। तो ये पांच किंगडम बनाए उन्होंने, ठीक है। किंगडम कह दो या जगत बना दो, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप और जंतु जगत, ये पांच जगत बनाए उन्होंने। इसमें ये देखा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरह की होती है, इस तरह की कोशिका होती है, इसमें बाहर ये डीएनए होता है, ये प्लास्मिड होता है, ठीक है, और भी ये होते हैं, ठीक है, रेटिनल, ठीक है, ये होता है, ये मतलब इससे पता चलता है, प्रोकैरियोट से पता चलता है कि पुरानी, प्रो मीन्स ओल्ड टाइप, और कैरियोट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका, पुरानी तरह की कोशिका, ठीक है। ये होती है प्रोकैरियोटिक,
कोशिका मैंने आपको बता चुका है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा भी ये यूकैरियोटिक है। ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, और ये भी यूकैरियोटिक। ठीक, अब कन्फ्यूज़न, ये प्रोकैरियोटिक है और ये सारे यूकैरियोटिक है। अब हम, ये तो हो गई इनकी संरचना, कोशिका की संरचना है ये, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये तो संरचना के आधार पर। अब हम शारीरिक, मतलब शारीरिक संगठन के आधार पर फिर हम चलते हैं इनका, के संरचना तो ये हो गई, फिर शारीरिक संगठन के आधार पर इसमें देखते हैं एक कोशिकीय, कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। बच्चों इसको ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर का सार बता रहा हूँ मैं आपको। इसी इन्हीं के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं किसी भी जीव को। ठीक है, एक कोशिकीय, यह बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय है, अब फिर कन्फ्यूज़न। चलो ये तो अलग हो गया, यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, ये तो प्रोकैरियोटिक हो ही गया। लेकिन अब ये बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय है, और ये भी बहुकोशिकीय है। अब हम इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। अब आ जाते हैं इनकी पोषण विधि पर। पोषण विधि मतलब के स्वपोषी है या परपोषी। तो पादप स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं, और ये भी परपोषी होते हैं। अब फिर कन्फ्यूज़न कि ये भी परपोषी है और ये भी परपोषी है। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से अलग किया जाए, कर सकते हैं बच्चों। हम आगे चलते हैं इनके पोषण विधि का तरीका, पोषण विधि का जो तरीका होता है उस पर बात करते हैं। तो पोषण विधि का तरीका होता है, ये तो करता है अवशोषण, करता है अपने भोजन का अवशोषण, और ये करता है अंतग्रहण। अवशोषण का मतलब होता है चूसना, चूसकर अपने खाने को लेता है ये। ठीक है, चूसकर अपने खाने को खाता है। और अंतग्रहण का मतलब होता है कि मुंह में डालकर चबारना और उसको निगलना को हम अंतग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो सबसे छोटा अंतर है कोशिका का, सबसे छोटा अंतर यही है। ठीक है, अब इनमें आप देख लो, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पांच जगत में विभाजित किया गया आर एच विट्टेकर द्वारा
1969 में उसने दो पांच वर्ग पांच जगत में बांट दिया, ठीक है, वर्गीकरण में। तो पहला मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि कुछ जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, और कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कुछ यूकैरियोटिक होने के बावजूद एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा कवक है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है। पादप है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। लेकिन फिर उन्होंने ये बताया पोषण विधि, पादप स्वपोषी होते हैं, ये दोनों परपोषी होते हैं, कवक और जंतु परपोषी होते हैं। अब इनमें भी अवशोषण और अंतग्रहण होता है। अवशोषण का मतलब चूसना, वो चूस कर अवशोषित करते हैं अपने भोजन को, और जंतु खाते हैं, चबाते हैं और अपने भोजन को अपना प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना क्या है, लिखो हेडिंग डाल लेना पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, डैश डाल के लिख लेना आर एच विटेकर ने 1969 में पांच जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित। एक मिनट, इससे पहले कि आप कुछ लिखो, लिखने से पहले मैं छोटा सा डायग्राम बनाना पसंद करूँगा ताकि उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अब जीव जगत का पहले तो लेना है कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना में दो तरह की कोशिका होती है, संरचना के आधार पर दो तरह की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक वाले हैं छोटे जीवाणु, उनको मोनेरा जगत में रख दिया गया। ठीक, फिर यूकैरियोटिक कोशिका में हम आ जाते हैं शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन में दो आ जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जंतु प्रोटिस्टा रख दिया गया, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत रख दिया गया एक कोशिकीय जंतुओं में। फिर बहुकोशिकीय में आ जाते हैं पोषण विधि, ठीक है। पोषण विधि में स्वपोषी
और परपोषी। स्वपोषी में पादप जगत आ गए, ठीक, लेकिन परपोषी में भी दो हो गए, यानी कि पोषण विधि का तरीका। पोषण विधि का तरीका, इनको दो उसमें भाग कर दिया गया, ठीक है। एक तो हो गया अवशोषण, हो गया अंतग्रहण, अंत है ग्रहण, ठीक है। अवशोषण का तो कवक जगत हो गया, और अंतग्रहण का हो गया जंतु जगत। वो जो मैंने पहले बनाया था वो भी आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेना, और ये वाले स्ट्रक्चर बना लेना। उसके बाद आपको ये बनाने के बाद जो लिखना है लिखो, हेडिंग डाल देना पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। तो इसमें जो आपको लिखना है, एक मिनट, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, तो आपको इसमें लिखना है कि आर एच विट्टेकर ने 1969 यानी कि 1969 में पांच जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित किया था। पांच जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है। कोशिकीय संरचना कोमा पोषण विधि कोमा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय कोमा शारीरिक संरचना को इस वर्गीकरण का मुख्य आधार माना गया है। उसके बाद आगे लिखना है, इतना ही, बस इतना ही लिखने के बाद आप बाकी इनके जो मूल लक्षण हैं, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण क्या क्या हैं, कोशिकीय संरचना जो मैंने बनाया था, कोशिकीय संरचना शारीरिक संगठन पोषण विधि और पोषण विधि का तरीका, यही मुख्य लक्षण है इनके, ठीक है। यानी कि पांचों जगत के, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपको इनके मुख्य लक्षणों के बारे में बताऊंगा और लिखवाऊंगा। आप भी थोड़ा सा अपनी बुक में देख लेना कि इनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं और पढ़ लेना, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए, और जो मैं बताता हूँ उसको अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।